नहीं ऑडिशन तो अब मेरे असिस्टेंट लेते हैं, मैं थोड़ा ऊपर आ गया डायरेक्ट। अभी सिर्फ 200-250 फिल्म की है, 500 फिल्म करना है। हाँ। संजय भाई की तरह अभी 250 फिल्म टच हो गया, तो शुरुआत है अभी। 1000 क्रॉस करेगा भाई हमारा अगले 10 साल में। आप? मैं तो कुछ नहीं बना, नहीं, नहीं बने? तो मैं बनना चाहता हूँ दीपक डोबरिया, शायद बन जाऊँ कभी। हाँ। वो सब बनते हैं। वाह, तो कैसा लग रहा है आपको प्रॉपर फील में आने के बाद? पीला पीला। तो दोस्तों ये है आराम नगर, और यहाँ पर बहुत सारे ऑडिशन होते हैं, और यहाँ पर डेली कोई ना कोई ऑडिशन से नहीं आता है। और बात करें कि ये ऑडिशन हब है, और आज इस ऑडिशन हब में जो यहाँ का बॉम्बे का या फिर कहें बॉलीवुड का सबसे बेस्ट कास्टिंग हाउस, वो है नन अदर देन मुकेश छापड़ा कास्टिंग कंपनी। तो आज बात ऐसी है कि भैया आ जाएंगे, मुकेश भाई से मिलेंगे, और साथ ही साथ दीपक डोबरियाल जिनकी फिल्म आ रही है कामयाब, तो बात करेंगे यार दोनों से कि इस बॉम्बे की इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मज़ा आने वाला है, खूब मज़ा आने वाला है आपको। मुकेश छापड़ा कास्टिंग कंपनी का जो पूरा वेन्यू है वो भी घुमाने की कोशिश करूंगा। मेरे को नहीं मालूम कि एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा आपके लिए। तो स्वागत है जी एक बार फिर से आप सबका बाज़ूका वर्ल्ड में, और मैं हूं मुनीश। तो शुरू करते हैं व्लॉग विद द सेइंग गुड मॉर्निंग, लेट्स व्लॉग। बिगेस्ट कास्टिंग हाउस इन मुंबई, आई एम एट मुकेश छापड़ा कास्टिंग हाउस। तो फाइनली इंटरव्यू खत्म हो चुका है, और बड़ा ही कैजुअल बेसिकली इंटरव्यूज चल रहे हैं। बैक टू बैक कामयाब होने के लिए आ चुके हैं मुंबई में नन अदर देन विद द सुपर कामयाब टीम ड्यूक। सर क्या बोलूँ सर आपको, पंजाबी में बोलूँ क्या, क्या खड़े हुए थे सर? हाँ पंजाबी बोली। ओके चावड़ा जी एंड दीपक जी, क्या हाल चाल है आपका? सबसे पहले मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि भैया आपसे मिला मेरे को मौका मिलने का। शुक्रिया। तो दीपक जी आप आज मुकेश छापड़ा जी बन चुके हैं, और मुकेश छापड़ा जी आप? मैं तो कुछ नहीं बना, नहीं बने, मैं बनना चाहता हूँ दीपक डोबरिया, शायद बन जाऊँ कभी। वो सब बनते हैं मतलब। हाँ। उनको सब बनना पड़ता है जिसकी जो रिक्वायरमेंट। अच्छा अभी क्या है कि सर ने जाना है, 3-4 मिनट में सर ने जाना है, और 3-4 मिनट का टाइम मिला है, तो सर को पहले हम जाने देंगे, उसके बाद सर का एक इंटरव्यू होगा। मुकेश जी आपके साथ मैं दोबारा बात करूंगा, ठीक है? लेकिन लेकिन सर आप ही हो, लेकिन उसके बाद दोबारा करूंगा। कामयाब फिल्म की बात करें सर, बताइए 500 ऑडिशन कितने लिए आपने, आपने कितने दिए अभी तक? नहीं ऑडिशन तो अब मेरे असिस्टेंट लेते हैं, मैं थोड़ा ऊपर आ गया डायरेक्ट। बहुत लिए हैं, और सबको मैं रिस्पेक्ट से रखता हूँ। मतलब आपने असिस्टेंट भी रखे फिल्म में? जी 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 8-10 हैं मतलब। तो वो जो है कि वो राइट जगह राइट डिमांड जो है डायरेक्टर की स्क्रिप्ट की वहाँ पहुँचाई जाए, और उस तरह के। अब मैं सारी फिल्में तो देख नहीं सकता, तो मैं असिस्टेंट्स को भेजता हूँ कि प्लीज़ वॉच वर्ल्ड सिनेमा, ताकि वहाँ अलग अलग जोन और जो लेयरिंग है जिस तरह के रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर की, क्योंकि यहाँ भी हमारे यहाँ बहुत वैरायटी के फिल्म मेकर्स उभर रहे हैं। हाँ। तो वो डिमांड जो है वो आज की जो जनरेशन है। हाँ। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट को भी वो काम दे रखा है, तो वो ढूंढते हैं और करते हैं, और हम राइट बंदे को राइट जगह पहुँचाते हैं। चश्मा भी पहन लो पूरे कर। अरे अरे बड़ी बड़ी लाल वाला नहीं, लाल पीला चश्मा। वाह, तो कैसा लग रहा है आपको प्रॉपर फील में आने के बाद? पीला पीला। So it is anyways, sir, आपके पास इन्होंने कितने auditions दिए हैं अभी तक? आपको याद है कुछ? पर मैं आपके, आपके, आपके casting house मुझे लगता नहीं कि कभी जब तक नहीं घर पे दिया अकेला। हाँ, 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 एक बार हम पार्टी में तब दिया था। पूरी मेरे पास अभी भी है वो, है ना, पूरी है, वो पर्सनल उसके लिए। तो मतलब अभी तक, अच्छा आपने इनको नहीं दिए, लेकिन अभी तक अपनी जिंदगी में अगर बॉलीवुड की स्ट्रगल माने तो कितने ऑडिशंस दे चुके हो आप? ज़्यादा भी नहीं होंगे मेरे ख्याल, 250-200। 200-250 मतलब 500 नहीं किए? नहीं। अच्छा मैं अभी ना विकीपीडिया देख रहा था, विकीपीडिया में सर की 25 फिल्में तकरीबन जो नज़र आ रही थी, तो 25 किए आपने? हाँ। लेकिन सर आप मतलब डायरेक्शन भी करते हो, राइटिंग भी कर रहे हो, कास्टिंग भी, क्या चीज़ करना चाहते हो आप?
मुझे फिल्म से जुड़ा हुआ अच्छा रहना पड़ता है और मतलब और फिल्म करनी है अभी सिर्फ 200-250 फिल्म की है, 500 फिल्म करना है संजय भाई की तरह, अभी 250 फिल्म टच हो गया, शुरुआत है अभी, 1000 क्रॉस करेगा भाई हमारा अगले 10 साल में, मुझे अगले 10 साल में। एनीवेज दीपक जी, बेसिकली बहुत सारे फैंस आपको देख रहे हैं इस टाइम, तो कामयाब के बारे में क्या बोलेंगे सर, कामयाब में क्या खास चीज़ देखने को मिलेगी ऑडिशंस के अलावा? देख, कामयाब एक हमारी इंडस्ट्री के जो जिन्हें आप सपोर्टिंग एक्टर्स या साइड एक्टर्स बोलते हैं, थोड़े से हमेशा हम ही लोग भी उनमें थोड़े से डेरोगेटरी टर्म में बोलते हैं ना, थोड़ा अपमानित शब्द में, लेकिन उनके प्रति आपका इसमें एक सिंपैथी और एम्पैथी का जज्बा पैदा करती है फिल्म, उनके स्ट्रगल को दिखाती है, उनकी जद्दोजहद, उनके करेज को दिखाती है, उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, अपने आप से जूझने की जो क्षमता है उसको उसकी तरफ इशारा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हैं सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान, तो वो ये अपने आप में ही फिल्म खास हो जाती है कि उनका जो नज़रिया है इस इंडस्ट्री के प्रति और जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जो जिन्हें हम सपोर्टिंग एक्टर्स या साइड एक्टर्स या एक्स्ट्रास कहते हैं, उनके प्रति जो उनका एक प्यार भरा नज़रिया है कि और एक इज्जत और एक कद्र का भाव दिखाता है उनका, तो ये अपने आप में एक बड़ी फिल्म बन जाती है। चलिए धन्यवाद, लेकिन सबसे बढ़िया लुक कौन सी लगी आप दोनों को सर? संजय मिश्रा जी, वी आर मिसिंग यू राइट नाउ, आप भी मिस कर रहे होंगे, सबसे बढ़िया लुक सारी जिसमें आप पास कर दोगे यार, ऑडिशन पास हो जाएगा इनका, यही सबसे मैं इसमें तो पास कर ही दूंगा, इसमें एक एक्सप्रेशन में पास कर दूंगा। दबंग कौन सी वाली में? दबंग में तो नहीं, नया कोई फ्रेंचर बनाना पड़ेगा, सजंग बनाना पड़ेगा। टू बोल दो, टू में हम 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सब में आप होंगे। नहीं, दो में था मैं, दो में थे, और हाँ दो में तो आप थे, शादी में घुसते हो। चलिए, मतलब यार जो बॉलीवुड की टॉप फिल्म है सारों की कास्टिंग अगली, ये देखिए तो रंगून, तमाशा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तेवर और काय पोचे, ये देखो यार अलीगढ़, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 और ये है मुकेश चावला। कास्टिंग बात करें तो ये बेस्ट कास्टिंग एजेंसी और कोई पैसे नहीं लगते, और ये इनका छोटा सा ऑफिस है, छोटा नहीं है बहुत बड़ा यार, और बहुत सारे ऑडिशन रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे जितने आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं किसके लिए, ऑडिशन देने के लिए। बाय बाय, थैंक यू, सो वी रिमेंबरिंग यू हियर, सो यू आल्सो जर्नलिस्ट? नो, आई एम अ जर्नलिस्ट, यस, आई एम मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, शी इज अ सीनियरेस्ट मोस्ट। चलो बाय, चलो बाय, बड़ा मजा आया यार, और नीचे भी थोड़े ऑडिशन चल रहे हैं तो देखते हैं यार, ऑडिशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये भैया मुकेश चावड़ा जी का ये कैफेटेरिया, और जितने आर्टिस्ट हैं वो बेसिकली अगर थक जाए तो यहाँ पर खाना पीना भी खा सकते हैं, तो ये है बड़ा सा कैफेटेरिया और बड़ा यूनिक सा कैफेटेरिया यहाँ पर आराम नगर पाटू में। तो यार यहाँ पर सबसे पहले चल रही है इंट्रो, और इंट्रो जो मुकेश जी ने बोला था कि 2,500 लोग रोज इंट्रो देने आते हैं, उसके बाद यहाँ से शॉर्टलिस्ट होके जाएगा अंदर। और फिर अंदर ऑडिशन होंगे और उसके बाद भैया शॉर्टलिस्ट होके आपको काम मिलेगा। हाय मैम, इंट्रोडक्शन नहीं दूं यार। Yeah.
शाम भी मेरा इंट्रो ले रही है, ऑडिशन ले रही है, आइए देखते हैं कैसे जाते हैं। मैम सिलेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा, चलो जी मैडम। हाय सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीष पुरी है, बजुका के नाम से भी आप मेरे को जान सकते हैं। सर तो हमारा मैडम मैडम सुनो ना, तो मैडम ने ऑडिशन ले लिया मैडम, 2500 में से अब एक और बंदा आ गया, तो आज रोज के 2500 आते हैं, तो आज एक और आ चुके हैं, तो थैंक यू बाय। तो फाइनली यार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का, मुकेश चावड़ा से मिलने का, दीपक जी से मिलने का, और बाद में ऑडिशन या इंट्रो देने का। सो बेसिकली आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बॉम्बे आए हैं तो बॉम्बे आने के बाद आराम नगर पार्ट टू में अगर बात करें 35/2 है इनके। हाँ जी दादा, कैसे पहचाना आपने यूसुफ चंडीगढ़ शूट? अरे मेरा भाई, ये यूसुफ भाई यार यहाँ पर कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो सावधान इंडिया में हमारे साथ थे यूसुफ भाई, चंडीगढ़ में सावधान इंडिया किया था, कॉस्ट्यूम करते थे, बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम मिले। तो आज बेसिकली ओपनिंग तो मैंने कर ली थी, सारा शूट भी कर लिया, अब क्लोजिंग आपके साथ करते हैं। तो यूसुफ भाई बड़े दिनों बाद मिला है भाई, बड़ा हेल्दी हो चुका है, लीन हो गया, लीन हो गया, मतलब मसल वसल निकल आए हैं। एनीवेज नाइस वीडियो भाई, तो क्लोजिंग करते हैं। अच्छा लगा, वैसे अच्छा लगा आपसे मिलके, बेसिकली हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसे मुलाकात होगी। तो अभी मुकेश भाई से मिले, सबसे मिले, और अब बाय-बाय बोलनी है, आप अपने हिसाब से बोल दो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली वैसे पाजी का मैं तो सब बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, कहीं ना कहीं ये जाते ही रहते हैं, बहुत सारे एक्टर से मिलते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ शोज वगैरह करते हैं, और अच्छा करते हैं, इवन बहुत अच्छा करते हैं। बट वैसे एक इनके साथ शूट किया था बहुत दिनों के बाद, मुझे लग रहा है 2-3 सालों के बाद पाजी से मुलाकात हो रही है। पाजी ने तो मुझे नहीं पहचाना, खैर मैंने पाजी को पहचान लिया, भाई तब बड़ा दुबला पतला होता था, इसलिए अब थोड़ा फिट हो चुका है ना। तो पाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और जितना हो सके फैलाओ इस चीज़ को, है ना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भैया, अगर पसंद आई ना, लाइक ठोकने का, सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, घंटा का बटन दबाने का, जो करने का कर देगा, पर करने का ज़रूर। और आज के बस इतना, आज के बस इस ब्लॉग में इतना ही, ये कहना चाहूँगा यार, कीप ब्लॉगिंग, बाय बाय, टेक केयर, बजूका, एक बार बजूका कर दो, बजूका, बजूका।